भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा T20, टीम इंडिया ने जीत लिया है 7 विकेट से। जी हां, 7 विकेट से न्यूजीलैंड को रौंद दिया है उसी के घर में। पहली बार टीम इंडिया ने T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की सरजमी पर जीत का स्वाद चखा है, और स्वाद चखवाने वाले दो बल्लेबाज ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी, आज क्या जलवा दिखाया है इन्होंने, क्या बल्लेबाजी की है और क्या बेहतरीन प्रदर्शन। ऋषभ पंत 40 रन 28 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद, उन्होंने बनाए 142 की स्ट्राइक रेट से, 4 चौके और 1 छक्के जड़े। वहीं महेंद्र सिंह धोनी 19 रन बनाकर नाबाद रहे 17 गेंदों में। विजय शंकर ने भी अच्छी पारी खेली, 14 रन बनाए 8 गेंदों में, लेकिन जीत की नींव रख दी थी आज भारत के ओपनर्स ने। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने 79 रनों की साझेदारी की। रोहित शर्मा ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए, 100 छक्कों का कारनामा पूरा किया और 50 रन 29 गेंदों में बनाकर भारत की जीत की नींव रखी। इसके बाद शिखर धवन भी लॉकी फर्ग्यूसन का शिकार बने, दूसरा विकेट भारत का 88 रनों पर गिरा। एक समय ऐसा लगा कि भारतीय टीम शायद उभर नहीं पाएगी, लेकिन विजय शंकर ने बीच में आकर एक छोटी सी अच्छी इंपॉर्टेंट पारी खेली और उसके बाद जो फिनिशिंग एंड जिसे हम कहते हैं वो दिया महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत ने मिलकर। बेहतरीन पारी यहां पर खेली है, धोनी ने भी 19 रन नाबाद 17 गेंदों में, ऋषभ पंत 28 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद रहे और भारतीय टीम आसानी से 7 विकेट से मुकाबला जीत गई। 1-1 से सीरीज बराबर हो चुकी है और अब 10 फरवरी को खेला जाने वाला हैमिल्टन T20 डिसाइडर हो जाएगा। टिम साउदी ने आज कोई कारनामा नहीं किया, 4 ओवर में 34 रन देकर एक भी विकेट हासिल नहीं किया, इकॉनमी 8.50 की रही। स्कॉट कोगलिन ने 4 ओवर में 31 रन दिए, आखिरी गेंद इन्हीं की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जोड़कर जीत दिलाई। लॉकी फर्ग्यूसन 4 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट 7.75 की इकॉनमी। मिचेल सैंटनर 2 ओवर 16 रन, कोई जादू नहीं दिखा पाए। इसी के साथ आतिश सोडी जिन्होंने रोहित शर्मा की विकेट ली 4 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट, वहीं डैरिल मिशेल एक ही ओवर डाला 15 रन दिए और एक विकेट विजय शंकर के रूप में हासिल किया। इससे पहले बता दें आपको कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत में ही भारतीय टीम ने दबाकर टीम साइफर्ट और कोलिन मुनरो की जोड़ी को 5-15 रनों पर ही तोड़ दिया। इसके बाद कोलिन मुनरो 41 रन टीम के स्कोर पर आउट हुए। उसके बाद कृणाल पांड्या ने आज अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट। यहां पर सबसे बड़ी बात यह रही कि भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही साइफर्ट का विकेट निकाल दिया था। इसके बाद कोलिन मुनरो, केन विलियमसन और डैरिल मिशेल को कृणाल पांड्या ने अपना शिकार बनाया। रॉस टेलर विजय शंकर के हाथों रन आउट हुए, अच्छी पारी खेल रहे थे लेकिन यहां पर टीम को जिताने में उनकी पारी नाकाम रही। कोलिन डी ग्रैंडहोम ने 28 गेंदों में 50 रन बनाए, 4 छक्के और 1 चौका जड़ा। हार्दिक पांड्या की गेंद का शिकार हुए। रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा कवर्स पर। मिचेल सैंटनर, स्कॉट कुगलिन और टिम साउदी पर दारोमदार था, लेकिन मिचेल सैंटनर और टिम साउदी का विकेट आखिरी ओवर में खलील अहमद ने निकालकर भारत को एक छोटे टारगेट के लिए बचा दिया। उसके बाद बाकी रही कुछ ही कसर रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी कर दी। जिस तरह से आज भारतीय टीम खेली है तारीफ बनती है, इतिहास रचा है। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।